जैसे आप विंडोज 7 यूज करते हैं, चाहे आपके पास लैपटॉप है या फिर पीसी है, उसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम आपको जरूर फेस करने के लिए पड़ता है। जब कभी भी दोस्तों आप पावर ऑन करने के लिए जाते हैं अपना पीसी का या फिर लैपटॉप का, तभी दोस्तों जो विंडो का वेलकम स्क्रीन में आपका जो स्क्रीन यहाँ पर जो लैपटॉप या फिर पीसी कह लो पूरी तरह से स्टॉक हो जाता है, ओपन नहीं हो पाता है। जो विंडो होता है पूरी तरह से यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन नहीं हो पाता है। गाइस मैं एक पीसी यूज करता हूँ जिसमें कि मैं विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हूँ दोस्तों। जब कभी भी मैं पावर ऑन करने के लिए जाता हूँ तो उसमें पावर ऑन नहीं होता है, जो विंडो का 7 वेलकम स्क्रीन में उसमें स्टॉक हो जाता है। तभी दोस्तों कोई भी मैं फाइल वगैरह होता है यानी कि मैं विंडो को एक्सेस नहीं कर पाता हूँ, मैनी प्रॉब्लम उसमें आपको मुझे फेस करने के लिए पड़ता है। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसका रीजन क्या है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों दिखाई देता है अपना कंप्यूटर पर या फिर लैपटॉप पर। तो सबसे पहला रीजन हो सकता है दोस्तों अपना कंप्यूटर पर तरह तरह का ड्राइवर को आप अपना कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके रखे हैं, तभी दोस्तों आपका विंडो जब बूट होता है तभी यहाँ पे फाइंड करने में जो बूटिंग जो ड्राइवर होता है फाइंड करने में टाइम लगता है, तभी भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है दोस्तों अगर आपका हार्ड डिस्क या फिर SSD पूरी तरह से आपका पीसी का या फिर लैपटॉप का डैमेज हो चुका है, तभी दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा रीजन हो सकता है दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर या फिर पीसी पर दोस्तों यहाँ पर लैपटॉप पर यहाँ पे कई तरह का अपडेट आपको मिला हुआ, जो कि आपका विंडो में जो कभी भी आप अपडेट नहीं करते हैं, जो भी आपको यहाँ पे अपडेट मिलता है वो आप कभी भी अपडेट नहीं करते हैं, तभी दोस्तों ये ऑब्वियसली आपको देखने के लिए अपना कंप्यूटर पर मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो पर जानेंगे दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है, पूरी डिटेल पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो का फुल वॉच करते हैं तो जो आपका प्रॉब्लम होता है जो वेलकम स्क्रीन में यहाँ पे आपका जो विंडो स्टॉक हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आपका 100% गारंटी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस आपको देखने के लिए मतलब पीसी है या फिर आपके पास लैपटॉप है तो कई बार दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग विंडो पर ये लोगों पर स्टॉक हो जाता है अपना कंप्यूटर। स्टॉक होने के बाद दोस्तों आप अपना जो पीसी को या फिर विंडो को आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो तभी दोस्तों आपको मेनी प्रॉब्लम फेस करने के लिए पड़ता है दोस्तों। और कई बार दोस्तों जो वेलकम का स्क्रीन होता है वो जो यहाँ पे लोडिंग लेता है उसमें कई बार स्टॉक हो जाता है, तभी दोस्तों भी आपको यहाँ पे मेनी प्रॉब्लम फेस करने के लिए पड़ता है। तो सबसे पहले मेथड पर क्या करना है दोस्तों आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपना कंप्यूटर को टर्निंग ऑफ कर लेना है, ऑफ करने के बाद आपको फिर से अपना कंप्यूटर को टर्निंग ऑन करना है। ऑन करने के बाद पावर बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अपना ये लोगो जब दिखाई दे तो तभी आपको यहाँ पे अपना कीबोर्ड से F8 की को प्रेस करना है। F8 की को प्रेस करने के बाद ये एडवांस मोड पर आ जाएगा। देखने के लिए दोस्तों एडवांस मोड में आने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको पहले जो मेथड है दोस्तों यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे कोई भी यूजर आप यहाँ पे पासवर्ड वगैरह दिए हैं तो इस यूजर पर आपको क्लिक करके जो भी आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे कोई भी नहीं दिया है आप कुछ नहीं जानते यहाँ पे तो देखने के लिए मैं नॉर्मल इसको रहने देना है। देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कई सारे ऑप्शन फिर से। देन आपको यहाँ पे स्टार्टअप रिपेयर पर आपको क्लिक करना है। स्टार्टअप रिपेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होगा जो भी प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट करेगा आपका जो विंडो है वो आपको बता देगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो मेरा हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखने के लिए मेरा हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम मुझे अभी मिल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ आपका प्रॉब्लम भी दिखाई दे जो भी है तो इसमें आपको एग्जिट कर लेना है। एग्जिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको फिर से अपना जो कंप्यूटर वो बूट हो जाएगा यस करना है। यस करने के बाद अपना फिर से अपना कीबोर्ड से F8 की को प्रेस करना है। F8 की को प्रेस करने के बाद फिर से यहाँ पे एडवांस मोड में आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेफ मोड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, सेफ मोड पर आपको क्लिक करना है। देन दोस्तों यहाँ पे आपको ओके करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद अपना जो कंप्यूटर होता है वो सेफ मोड में बूट हो जाएगा। सेफ मोड में बूट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम अगर होगा, देखना है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर से आपको यहाँ पे अपना कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट करना है, फिर रिस्टार्ट करके देख लेना है प्रॉब्लम होता है या फिर नहीं। अगर नहीं होता है तो सही बात है, अगर होता है तो दोस्तों आपको चलिए दूसरे नंबर मेथड पर आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। है तो अगर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क को निकालने के बाद दोस्तों अपना कंप्यूटर को बूट करना है। बूट करने के बाद दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत नहीं होता है, कोई भी स्टॉक वगैरह नहीं होता है अपना कंप्यूटर, तभी दोस्तों आपको समझ जाना है दोस्तों जो आपका हार्ड डिस्क में कोई भी फॉल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसीलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने के बाद आपको यहाँ पे जो हार्ड डिस्क आपको रिप्लेस कर लेना है या फिर आपको रिपेयर वगैरह आप कर लेना है। ठीक है, करने के बाद दोस्तों जो प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रहा था मेरा पीसी पर दोस्तों, बार बार ये वेलकम स्क्रीन पर ये विंडो का लोगो पर ये स्टॉक हो जाता था। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया आपको बता देता हूं। जो मेरे साथ हुआ है दोस्तों, जो मेथड में यहाँ पे किया हूं मेरा कंप्यूटर पर वो उसको मैं एक्सप्लेन किया हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा हार्ड डिस्क को निकाल के दोस्तों फिर से मैं बूट किया मेरा कंप्यूटर को, तो आसानी से बूट हो गया दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम और अभी नहीं आ रहा है। तो आपको जो मैं जो मेथड अप्लाई किया हूं मेरा कंप्यूटर पर बस उसको मैं एक्सप्लेन किया हूं, नहीं तो इसका कई तरह के और भी मेथड है दोस्तों, और भी कई तरह के रीजन है ये जो प्रॉब्लम होने का, और भी कई तरह के रीजन है।
कैसे आपने देख लिया कि जो आपका लैपटॉप या फिर पीसी विंडोज 7 जो वेलकम स्क्रीन पर पूरी तरह से स्टॉक हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है दोस्तों, पूरी वीडियो में आपको डिटेल पर बता दिया हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपका लैपटॉप या फिर पीसी है जो कि ब्लास्ट स्क्रीन का प्रॉब्लम दिखाई देता है, तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है दोस्तों, मैं पहले से वीडियो बना के रखा हूं, आई बटन में, एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।